इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। ये एनी पॉइंट क्या होता है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसके सेंटर से सारे डिस्टेंस लेने हैं। इसके सेंटर से ना तो मैं एक्स में कोई पॉइंट ले रहा हूँ ना मैं वाई में कोई पॉइंट ले रहा हूँ, मैं पॉइंट कहाँ पर ले रहा हूँ, एनी पॉइंट पी पॉइंट रेंडमली एक्स वाई प्लेन में ले लिया। तो मुझे पी पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब ये जो पॉइंट पी है ये इसके सेंटर से लेट अस सपोज आर डिस्टेंस पे है, तो पी पॉइंट है कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है, और ये जो पॉइंट है इसका एंगल कितना बना हुआ इस डायपोल मोमेंट के साथ, थीटा। तो थीटा एंगल पे वो पॉइंट है और कितनी दूरी पे पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे पॉइंट है जहां पर मेरे को नेट ई निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है यहां तक। इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करेंगे, पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये पी वेक्टर कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव ले लिया। पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स लेंगे, पहला कंपोनेंट यहां पे होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, पी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट यहां पे होगा परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू क्या होगी, पी साइन थीटा। ठीक है, तो मैं अपना काम पी वेक्टर पे नहीं करूंगा, उसके कंपोनेंट्स पे करूंगा। तो पी तो इटसेल्फ एक वेक्टर है ही, पर हमने उसके दो कंपोनेंट्स ले लिए, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा पी साइन थीटा में ये रहा पी कॉस थीटा, ये रहा पी साइन थीटा। तो अब मैंने दो नए डायपोल मोमेंट्स बना दिए, पी वेक्टर तो एक था ही था, पर मैंने दो नए वेक्टर बना दिए, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। इससे पहले कि मैं आगे चलूं और ई की वैल्यू मैं निकालूं, एक रिजल्ट रिवाइज करवाता हूं। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक डायपोल मोमेंट है पी वेक्टर, चलो इस तरफ है, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे इसका आंसर दें, तो अगर कोई डायपोल मोमेंट है इस तरफ और इसके एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है जहां पर नेट ई निकालना है, तो ये एक्सिस के पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। तो यहां पे जो ई का, ई की जो डायरेक्शन होगी वो पी वेक्टर के साथ होगी, क्योंकि पी वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल क्या बनेगा, जीरो। सही है यहां तक, अभी हमने डिस्कस किया था पी वेक्टर के एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो ई वेक्टर और पी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, ई एक्सियल ये बनेगा, और ई एक्सियल का फॉर्मूला में आता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी बाय आर क्यू, ऐसे ही है। लेकिन अगर सपोज करो मैं ये बोलता हूं कि चलो इसका मैग्नीट्यूड पी है तो ये फॉर्मूला बन गया, अगर मैग्नीट्यूड इसका पी कॉस थीटा हो, इमेजिन करो ये पी की जगह मैं पी कॉस थीटा कर देता हूं और मैं इसके एक्सिस के ऊपर ही कोई पॉइंट देता हूं, तो ये पॉइंट इसकी एक्सियल लाइन पे है, तो जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में ई एक्सियल बनेगा, लेकिन फॉर्मूले में पी की जगह क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। मतलब अगर ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा, 20 है तो 20 हो जाएगा, पी कॉस थीटा है तो पी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये रूल समझ में आ रहा है कि अगर डायपोल मोमेंट की लाइन में कोई पॉइंट है तो उसको एक्सियल लाइन बोलना है, और एक्सियल लाइन पे पी वेक्टर जो भी डायपोल मोमेंट होगा एंड ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? उसी तरीके से एक और रिजल्ट किया हमने कि अगर पी वेक्टर इस तरफ है और इक्वेटोरियल लाइन है तो इसकी वजह से ई वेक्टर लेफ्ट होगा, क्योंकि पी वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल क्या होगा, 180। कोई डाउट इसमें? ये रिजल्ट जो है ये याद रखना है, और अगर यहां पर पी की जगह पी कॉस थीटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां पे ई निकालना हो तो डायरेक्शन तो इसकी ऑपोजिट होगी लेकिन पी की जगह क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा हो जाएगा। तो रिजल्ट्स क्लियर है कैसे अप्लाई करने हैं। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में लेट अस सपोज जब ये पी वेक्टर था, पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स थे पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, तो मैं इस पी वेक्टर के साथ काम नहीं करूंगा, मैं इसके कंपोनेंट के साथ काम करूंगा पी कॉस थीटा। तो चलो एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, बस आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर ये पी कॉस थीटा एक डायपोल मोमेंट है और इसकी लाइन में कोई पॉइंट है पी जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी, इस तरफ होगी सेम डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो लाइन है इस डायपोल मोमेंट के लिए एक्सियल लाइन है, और एक्सियल लाइन में पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। एग्री करते हो चीज से? और उसी तरीके से एक्सियल का अगर फॉर्मूला इसमें लगाना हो तो फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सियल का, वैसे तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है, पर यहां पर पी नहीं है, यहां पर पी कॉस थीटा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा। तो पहला रिजल्ट क्लियर है। तो मैंने ये बताया
कि इसके अंदर पी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, पी कॉस थीटा, और क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस पे निकालना है तो पी कॉस थीटा के लिए ये जो पॉइंट है वो क्या है, एक्सियल लाइन है, तो एक्सियल लाइन है, तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम क्लियर है। पी कॉस थीटा के लिए आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट एक्सियल है, तो ई एक्सियल का फॉर्मूला मैंने इसमें लगा दिया, 1/4 pi epsilon 2 pi cos theta by r cube, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं पी साइन थीटा की, पी कॉस थीटा भूल जाओ, पी भी भूल जाओ, पी साइन थीटा देख लो, पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है, राइट, क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या है, पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पे ये पॉइंट लाई करता है, और अगर P sin theta नीचे की तरफ है तो इसका E इक्वेटोरियल कहां पर होगा, exactly इसके ऑपोजिट होगा, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, हमने डिस्कस किया था, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये P sin theta है तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1/4 pi epsilon naught P sin theta by r cube, तो दो रिजल्ट्स क्लियर हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि P वेक्टर की जब हमने कॉम्पोनेंट ड्रॉ किए तो P cos theta का इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कॉन्ट्रीब्यूशन है और P sin theta का इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, दोनों ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, और दोनों ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड का एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, दे आर इन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री परपेंडिकुलर किया। अब परपेंडिकुलर में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल स्क्वायर, ये देख रहे हो ये वैल्यू आएगी, अंडर रूट ऑफ ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल स्क्वायर, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि दो वेक्टर्स कितने एंगल पर हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो 90 डिग्री पे उनका वेक्टर सम लेके नेट ई की वैल्यू आएगी, कोई डाउट इसमें। तो इसमें बेसिक चीज जब अगर ये मान लो पेपर में आया तो आपका ये डायग्राम आपको बनाना, और कोई डायग्राम बनाना नहीं है। अगर हम उससे पूछो सर कि कितनी बार आया पेपर में, मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में एक बार भी नहीं, तो मतलब प्रोबेबिलिटी इसकी इतनी है, क्या ये अभी आ सकता है मुझे पता नहीं, ठीक है, तो मतलब मेरे को करवाना है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत आते हैं और हमेशा ही आते हैं, तो इस टॉपिक में से कुछ डायपोल का टॉपिक है वो पक्का आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो भी आज करवाऊंगा, वो पक्का आएंगे, लेकिन अगर आ गया हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, जो भी आएगा इसको करना तो आना ही चाहिए, यू नेवर नो, पेपर तो हर बार नए बनते ही हैं, क्या पता इस बार आ जाए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे करना है, सिर्फ डायग्राम ही मेन है, कुछ करना ही नहीं है, पी वेक्टर के दो कंपोनेंट लिए, दो आपने इसमें कंपोनेंट लेके दो डायपोल मोमेंट बना देने हैं, इसका कंट्रीब्यूशन इधर चला जाएगा, इसका इधर चला जाएगा, फिर नेट सम ले लेना है, ये वैल्यू आ गई, यहाँ से ई एक्सियल की वैल्यू पुट कर दी, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से 1/4 pi epsilon naught 2 pi / r cube का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये क्या बना 2 cos theta का स्क्वायर, ये क्या बना P sin theta का स्क्वायर, यहाँ से ये पूरा होल स्क्वायर का अंडर रूट बाहर आ गया, फिर उसके बाद इसकी जो वैल्यू है 2 cos theta का स्क्वायर इसके इक्वल आ गई, 4 cos square theta को मन में लिखो 3 cos square theta + cos square theta, ताकि cos square sin square क्या बन जाए 1, ये फॉर्मूला आ गया। तो लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ डायपोल का ये फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो, अगर कल को पेपर में आ जाए कम से कम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आता हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का ये फॉर्मूला नोट करें प्लीज। यहाँ पे अच्छा नहीं, हाँ कॉमन निकाल के बाहर आया है, ये पी नहीं आएगा इसमें, पी तो बाहर आ गया ना, पी स्क्वायर पी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पी पी तो बाहर निकाल कर, ये क्रॉस कर देना प्लीज, पी नहीं आएगा, सही है, जब कॉमन निकलेगा तो पी तो बाहर निकलना, पी का स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी सब ऐसे रह गया, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन खुद कर लेना एक बार, ये आंसर आ गया। अब क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन देनी बनती है, डायरेक्शन के लिए एंगल क्या आएगा, एल्फा,
तो टेन अल्फा क्या होगा, दिस साइड जो कि क्या है ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल, तो ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल आपको पता है, ई एक्सियल आपको पता है, इन्हें डिवाइड करके ये आंसर आएगा, टेन अल्फा की वैल्यू आएगी। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है यहाँ तक, तो डायरेक्शंस कैसे निकलेंगी क्लियर है। अब इसमें एक स्पेशल केस है, अगर मान लो इस डायग्राम में मैं थीटा को जीरो पुट कर दूं, जीरो, जब ये जीरो होगा तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्सिस पे, एक्सिस का मतलब कौन सी लाइन हो गई, एक्सियल, और 90 डिग्री पे कहाँ लाई करेगा, इक्वेटोरियल पे। तो एक काम करते हैं, स्पेशल केस करते हैं, अगर एंगल जीरो है तो कॉस जीरो क्या होता है, वन, थ्री प्लस वन फोर का अंडर रूट टू आएगा, तो ई एक्सियल का फॉर्मूला बन गया, इसका मतलब फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, स्पेशल केस सही है। और ऐसे ही अगर एंगल 90 हो गया तो कॉस 90 क्या है, जीरो, तो देखो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ई इक्वेटोरियल, इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो क्या ये स्टेप सबको क्लियर है?